हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी अद्वितीय देखने योग जो से मैं यह वीडियो बनाया गया है, आप देखिए। हम आपको एक एक करके पूरी ऐसी अद्वितीय जगह के बारे में बताएंगे जिससे आप देखकर कहेंगे कि नहीं, अभी मानवता जिंदा है। और इसको देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये गाडावारा के अंतर्गत आने वाली गौशाला है जो जैन समाज द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें जो गायों का पालन किया जा रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन में चार पंखों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ इस लाइन में भी चार पंखों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ इस लाइन में भी चार पंखे और उस लाइन में भी चार पंखे। तो गाय को कितने सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, इसकी मिसाल यह गौशाला द्वारा बताई गई है। इसी के साथ इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गौ माता द्वारा गौ माता के मूत्र से या गोबर से की जा रही है, उसकी सभी की जानकारी एक एक करके हम आपको उपलब्ध कर। इन गौशालाओं में उन पशुओं को छोड़ा जा सकता है। अगर थोड़ी जागरूकता है, जिसने भी छोड़ा है इन गांवों को, उनके पास अगर थोड़ी भी जागरूकता है तो इन गौशालाओं में उन गायों को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है इस गौशाला में वो हम आपको बतलाएंगे। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये बर्मी कंपोस्ट खाद है जो गायों के गोबर से बनाई जाती है। इसमें केंचुए छोड़कर इस खाद को बनाया जाता है। अभी इस तरफ हम सिर्फ आपको दो बेड बताएंगे, बाकी जो पक्का इसका बना हुआ दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इन बेड़ों के जरिए किस प्रकार से इस वर्मी कंपोस्ट खाद को बनाया जा रहा है और इसमें केंचुए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं केंचुए इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और आपको हम बना हुआ वर्मी कंपोस्ट खाद भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो गोबर से और गोमूत्र से क्या क्या बनाया जा सकता है उसके विषय में भी दिखलाएंगे। ये तैयार हो चुका बर्मी कंपोस्ट खाद है, इसको आप पौधों को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके इन पौधों को उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि यह पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक। आप देख सकते हैं ये केला की जो गेर है ये टोटली ऑर्गेनिक है। इसको खाने से व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, प्योर ऑर्गेनिक। और भी बड़ा क्षेत्र है जिसमें पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो गोबर और गोमूत्र से तैयार होने वाले प्रोडक्ट जैसे जीवामृत हो गया, भस्म रसायन हो गया, या फिर जो पोटाश के लिए उपयोग किया जाता है वो सभी, साथ ही साथ इसका वर्मी वॉश भी इकट्ठा किया जा रहा है। तो किस तरह से यह तरक्की कर रही है गौशाला, आप पूरा देखिए इस वीडियो को और समझिए। इस पन्नी की बनी पॉलीथिन वर्मी जो कंपोस्ट खाद की बेड है, इससे किस प्रकार से वर्मी वॉश निकाला जा रहा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को उपलब्ध कराता है। तो आप देख सकते हैं इस एक बेड से कितनी मात्रा में बर्मी बॉस निकल रहा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। इसको डालने से जो आपका फल प्राप्त होगा वह बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट प्राप्त होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गायों के से प्राप्त होने वाला गोमूत्र है, और इस गोमूत्र के जरिए जो प्राकृतिक रूप से जो खाद तैयार की जाती है ये उसको बोले तो जीवामृत। तो इससे जो प्राप्त गोमूत्र होता है इसके ही द्वारा जीवामृत बनाया जाता है। साथ ही साथ और भी ऐसी प्राकृतिक खाद हैं जो इस गोमूत्र के द्वारा बनाई जा सकती हैं। और किस प्रकार से यह गौशाला इस गोमूत्र को एकत्रित कर रही है आप देख सकते हैं।
के साथ जो गायों के लिए जो चारा गाय होता है जिसे हम लेमन घास बोलते हैं, वो कितनी मात्रा में इस गौशाला द्वारा उगाई जा रही है और जो पशु पशु आहार के लिए पर्याप्त मात्रा में है। इसे समझे तो ये समथिंग 205 हेक्टेयर जगह में जरूर होगी और इतनी मात्रा में इस गौशाला को पूर्ण हो जाती है।